नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता, और आज बात टाइगर रिजर्व पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित करने का फैसला किया है। अब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, जिसका आकार 2829.387 वर्ग किलोमीटर होगा। ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा, लेकिन इसके गठन से भारी रोजगार पैदा होने और टूरिस्ट गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। जिस इलाके में टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, वहां पर 32 खदानें हैं जिनसे नियमित खनन किया जा रहा था, और इस मामले में राज्य की विधानसभा में भी एक फैसला हुआ था कि इसके तहत इस क्षेत्र में गैर वानिकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने से पहले ही वर्ष 2014 में पहली बार और वर्ष 2022 में दूसरी बार राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने इस क्षेत्र को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाते हुए यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। लेकिन स्वीकृति मिलने के बाद भी जब सरकार ने 10 साल तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो टाइगर रिजर्व के लिए संघर्ष कर रहे एक्टिविस्ट बिलासपुर हाई कोर्ट चले गए, जिस पर कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा, और कोर्ट के दबाव में आखिरकार छत्तीसगढ़ सरकार ने इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व बनाने का फैसला ले ही लिया। इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब विधानसभा में गैर वानिकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का फैसला किया गया है, तो फिर उस फैसले को कैबिनेट ने क्यों बदला है? क्या कोर्ट के दबाव में इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? और इस क्षेत्र की उन 32 खदानों का क्या होगा? जो रोजगार इन खदानों से मिलता था उसका क्या होगा, और जो राजस्व मिल रहा था उसका क्या होगा? इन सारे सवालों का जवाब जानना जरूरी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने के संबंध में निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अनुशंसा और भारत सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सहमति के अनुसार मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिलों में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला अभयारण्य के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 2829.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। पहली बात तो ये है कि सरकार को तो विधानसभा में पारित हुआ एलिफेंट रिजर्व की, और उसमें 23 खदान उसको हमने उसको बचाया है। तो विधानसभा में जो सर्वसम्मति से जो पारित हुआ कि वहाँ कोई गैर वानिकी कार्य नहीं होगा, और छत्तीसगढ़ सरकार उसको अनुमति दे दी है, राजस्थान गवर्नमेंट तो रोज ट्वीट करके धन्यवाद दे रही है, तो उसका क्या कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल। चलिए, इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देती हूँ पहले उन मेहमानों से। गोपाल सामंतो जी बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रुति शुक्ला जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार है, और अजय दुबे जी आरटीआई एक्टिविस्ट है हमारे साथ। ये सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करूंगी। सबसे पहले अजय जी आपके पास आना चाहूंगी। अजय जी, काफी लंबे समय से आप इस मुद्दे को उठा रहे थे, और अब हम कह सकते हैं कि इस पर मंजूरी मिल गई है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व अब बनाया जाएगा। कैसा महसूस कर रहे हैं? अस्मिता जी, ये बहुत खुशी का अवसर है कि छत्तीसगढ़ के उस अंचल जहाँ की घासीदास पहले अविभाजित मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व था, और उसका अधिकार वर्ष 2000 में छीना गया, और आज 2024 साल लंबी लड़ाई के बाद उसको पुनः टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। बाघों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से पलामू तक जो टाइगर्स का मूवमेंट होती थी, अब उनको सुरक्षित कॉरिडोर मिलेगा,
और ये सब जानते हैं कि भारत के जो आखिरी चीते थे वो इसी टाइगर रिजर्व में ही देखे गए थे। और इसके अलावा ये एलिफेंट्स का भी कॉरिडोर है, तो वन्य प्राणियों के साथ साथ आज वहाँ के क्षेत्र के निवासियों के रोजगार के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। मैं माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हमारी याचिका पे सरकार को इस गंभीर निर्णय के लिए प्रेरित किया और ये निर्णय आया। तो अभी उस टाइगर रिजर्व से आने वाली पीढ़ियों को न केवल सुरक्षित वन मिलेगा बल्कि बेशकीमती जो वन्य प्राणी है, जो उसकी मूल विरासत थी, कोई बाहर से नहीं लाए गए थे, वहीं पे थे, बहुत सारे टाइगर्स सब थे, तो अब पुनः उनके लिए भविष्य होगा। और ये हम लोग का दायित्व है कि मनुष्य जो भी अपने लिए सोचे वो पृथ्वी पे अन्य बेजुबान की भलाई भी सोचे। ये उस दिशा में आर्टिकल 51 जो कहता है कि हम पर्यावरण और वन संरक्षण में भूमिका अदा करें, आज उस दिशा में ये अच्छा कदम है। बिल्कुल रमेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। रमेश जी, छत्तीसगढ़ के लिहाज से आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहा है और विरोध भी कर रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से जो फैसला लिया गया है इसे आप कैसा देखते हैं, आप इसके बारे में बताइए। देखिए, जीवन मनुष्य का जीवन तभी जब पर्यावरण अच्छा हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे, और छत्तीसगढ़ तो वन और पर्यावरण के लिए ही जाना जाता है, इसी में इसकी प्रसिद्धि है। और जो ये घासीदास टाइगर रिजर्व का मतलब शुभारंभ हो रहा है, जो वो बनने जा रहा है या आने वाले दिनों में अच्छा स्वरूप प्रदान करेगा, ये वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है और टूरिज्म के लिए भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट छत्तीसगढ़ के लिए है। छत्तीसगढ़ के जन जीवन, आर्थिक समृद्धि और हर प्रकार के भलाई के लिए बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल। श्रुति जी, आपके पास आऊंगी। श्रुति जी, वरिष्ठ पत्रकार साहब भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो है वो भी इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार इस फैसले का विरोध कर रही है, क्या वजह है? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और अस्मिता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी इस चीज का विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी में मतलब माननीय भूपेश बघेल जी का जो स्टेटमेंट था, जो अभी हमने सुना, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि भाई जहां पर ये अभयारण्य को डेवलप करने की बात हो रही है, वो जो एरिया है वो खदान वाला एरिया है। अब जो खदान वाला माइनिंग वाला एरिया रहता है, वहां का जो वातावरण है ये ऑटोमेटिक वहां की जो कार्यशैली उससे प्रदूषित हो जाता है। ऐसे एरिया में अभयारण्य डेवलप करना, यानी कि वन्य जीव हो या तो फिर आम इंसान हो, ऐसे मतलब विषैले वातावरण से उनके ऊपर जो है प्रभाव जो है एकदम नकारात्मक पड़ता है। तो उन सब चीजों को लेकर माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि भाई हम इस फैसले का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आप भी बताइए कि पहले तो ये प्रस्ताव पारित हुआ नहीं था, इस पर किसी ने हामी नहीं भरा था, अब सबके सब इस प्रस्ताव में हामी भर दिए हैं किस चीज के दबाव में आके, ये तो आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन इस तरीके से वो जगह का जो चयन है ये बहुत गलत है कि ऑटोमेटिक खदान वाले एरिया में इस तरीके से अभ्यारण्य का बनना, फिर जो खदान का जो जो भी उसका विकास था, उसके जो भी मतलब समृद्धि के आर्थिक जो स्रोत थे, जिस उसका क्या प्रकार से होगा? अजय दुबे जी ने जिक्र किया, वही जगह अनुकूल है, क्योंकि पहले भी जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि चीते भी पहले आखिरी बार वहीं देखे गए थे और पहले भी टाइगर्स वहां पर रहते थे, तो उस लिहाज से तो हम ये कहेंगे ना कि जगह बिल्कुल जगह तो अस्मिता अनुकूल जी ही है। अभयारण्य के दृष्टि से देखेंगे, जी अस्मिता जी, अब आप उस दृष्टि से देखेंगे तो जगह अनुकूल है, लेकिन आप एक उस दृष्टि से भी देखिए कि वहां पर वो ऑलरेडी वहां पे खदान वाला एरिया है, लगभग 32 खदान उस एरिया में है, तो अब बताइए कि खदान का जो आर्थिक स्रोत था वहां पे, जो जो राजस्व तो हमारे प्रदेश में उस खदान से प्राप्त होता था, उसका क्या होगा? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हर दृष्टि हर नजरिए से सोचकर इस कदम को उठाना चाहिए और कोई निर्णय सुनाना चाहिए। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी वन्य जीव की बात कर रही है, अगर ये जन जीवन जो जंगल है उसकी बात करें, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये शुरू से मतलब हमारा जो जीवन है ये जंगलों से और मतलब प्राकृतिक चीजों से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप बताइए कि आज भारतीय जनता पार्टी के ही राज में हसदेव जंगल का क्या हाल हुआ, उसे तो पूरा का पूरा साफ कर दिया गया, उखाड़ दिया गया, उस पे मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहेंगे? गोपाल जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि इसे गैर वाणिक इस जगह को घोषित कर दिया गया था विधानसभा में, लेकिन उसके बाद भी फैसला पलटा गया, तो कहीं ना कहीं
ये कहना चाह रही कांग्रेस पार्टी की, क्या हाईकोर्ट में हाईकोर्ट के दबाव में आकर ये फैसला लिया गया? ये आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। कांग्रेस की हालत देखिए, 100 किलोमीटर में इनके सोच बदल जाती है, इनका पैरामीटर बदल जाता है, 100 किलोमीटर के अंदर इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरफ जाए इनको समझ में नहीं आता। तो वर्तमान में घासीदास, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की घोषणा हुई है वो हसदेव से जस्ट 7500 किलोमीटर की दूरी पर। 75 किलोमीटर दूर पे जब हसदेव पे बात होती है तो बोलते हैं यहाँ जंगल लगना चाहिए, यहाँ जंगलों का बचाव होना चाहिए। अब जब सरकार ने इतनी बड़ी निर्णय लिया है, हाईकोर्ट ने इस दिशा में अपनी पहल की, सरकार ने उस पहल को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाकर इतना बड़ा कदम उठाया, आज बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर ये टाइगर रिजर्व का नामकरण हुआ, तो इनको तो स्वागत करना चाहिए। इस बात का स्वागत इनको राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए कि बाबा गुरु घासीदास के नाम पर टाइगर रिजर्व होने से बाबा गुरु घासीदास जी के नाम का पूरे देश में प्रचार होगा, एक नया टाइगर रिजर्व बनने से यहाँ के लोगों को इको टूरिज्म में मौका मिलेगा, इको टूरिज्म के माध्यम से उनको रोजगार मिलेगा, वन जीवों का संरक्षण होगा। ठीक है गोपाल जी, काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगी, टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं, रोजगार की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो 32 खदानें हैं वहां पर वो भी कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिल रहा है। जी मैं उसी पे आ रहा था मैडम। देखिए क्या है अस्मिता जी, जो श्रुति जी बोल रही थी माइनिंग के बारे में और भूपेश बघेल की बातों को ही रिपीट कर रहे थे, अजय दुबे जी पर्यावरणविद है, वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ माइनिंग एक्ट उन्होंने पढ़ा ही नहीं, इनका विरोध माइनिंग एक्ट अगर ये ढंग से पढ़ लेते तो इनका विरोध खत्म हो जाता। माइनिंग एक्ट में लिखा है जो खदानें खुलती हैं, जब खदानों से कोयला या जो भी उसमें से ओर निकलते हैं, ओर निकलने के बाद खदानों को पाट दिया जाना चाहिए नॉर्मल मिट्टी से और उसपे फॉरेस्ट या एफोरेस्टेशन होना चाहिए, मतलब उसमें वृक्षारोपण होना चाहिए बड़े पेड़ों का, ताकि भूस्खलन रुक सके, भूस्खलन ना हो और आगे चल के पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे। ये तो माइनिंग एक्ट में लिखा हुआ है, अगर ये माइनिंग एक्ट में लिखा हुआ है और सरकार उस ओर कदम उठा रही है तो फिर क्या दिक्कत है? और दूसरी बात, फैसला पहले क्यों नहीं हुआ, इतने साल क्यों लग गए? 2012 कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2012 से जब मुद्दा उठ रहा है तो 2024 आ गया सर, 27 जून 2023 को इन्होंने ही इस पर बैन लगाया। आज भूपेश बघेल जिस बात पर आगे आके बोल रहे हैं उस पर इन्होंने 27 जून 2023 को इन्होंने ही बैन लगाया था। अगर पूर्ववर्ती सरकार कोई गलती करती है और वर्तमान सरकार उस गलती को सुधार कर लोगों के हित में काम करती है, जनमानस के लिए काम करती है, तो इनको इतनी आपत्ति क्यों है? और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर अगर टाइगर रिजर्व बन रहा है तो जवाब देने करना चाहिए। बलौदा बाजार में इनका स्टैंड अलग होता है और देखिए यहाँ पे इनका स्टैंड अलग हो जाता है। वही मैं अस्मिता जी कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में फंस रही है। अब जैसा कि हमारे बड़े भाई गोपाल जी ने कहा तो मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि बलौदा बाजार में इतनी बड़ी जो घटना सतनामी समाज के नाम से हुई थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है अस्मिता जी कि भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी थी कि वहां पे इतनी बड़ी घटना जो है जैत खंभ जो सतनामी समाज का टूटा और इतनी बड़ी घटना वहां पर हुई, तो कहीं इस गलती को छुपाने के लिए भारतीय जनता, ये मुद्दा तो दूसरा ही, आपकी पार्टी के लीडर्स का नाम भी आ रहा था उसमें, ये हमारा मुद्दा है ही नहीं। नहीं जी अस्मिता जी, मुद्दा ये नहीं है, लेकिन इन्होंने बात की गुरु घासीदास जी की, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि गुरु घासीदास जी के नाम से अभयारण्य को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि उनका नाम जो है हमारे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो है विस्तारित होगा, लेकिन आप अगर की बात करते हैं तो आप घासीदास जी के जो समर्थक हैं, उनके जो मानने वाले लोग हैं, उनके साथ जो है छत्तीसगढ़ में किस तरीके की घटनाएं उनको लेके होती है और उस पर छत्तीसगढ़ सरकार का क्या एक्शन है, आप इसी से भारतीय जनता पार्टी की मंशा को समझ लीजिए। और ये बात करते हैं अभयारण्य डेवलप करने की, कभी बात करते हैं वनों को डेवलप करने की, अगर इनकी सोच ऐसी रहती तो आज ये जो अभी बीच में अभियान चला रहे थे भाजपा के लोग है ना कि एक पेड़ माँ के नाम, अरे आप माँ के नाम से एक पेड़ लगा रहे हैं तो इतने आपके ही अभी राज में पिछले 6-7 महीनों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, अरे हसदेव जंगल को काट करके पूरा साफ कर दिया गया तो उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? आप क्या कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड था उसमें बातों को?
आप हसदेव का बार बार जिक्र कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने, अस्मिता जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने इस चीज का पुरजोर विरोध किया था कि भाई जंगलों की कटाई इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देखिए इनकी, आप इनके कारनामे देखिए, तो ये अपने इस तरीके के कारनामों को छुपाने के लिए मुझे लगता है ऐसी ऐसी योजनाएं ला करना, ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को बरगलाने का और अपनी गलतियों को ये छुपाने का जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, गोपाल जी क्या कह रहे हैं आप? मेरे छोटी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता श्रुति जी शायद ठीक से पढ़ाई करके नहीं आई है, मैं इनको करेक्ट कर देता हूँ। 2006 में हसदेव के प्रोजेक्ट को इनकी सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पास किया था। उसका डीपीआर तय करने वाला, तैयार करने वाला अगर कोई सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार ने इसका डीपीआर तय किया था, कांग्रेस की सरकार ने इसका फॉरेस्ट सर्वे कराया था। लगता है कि हम इसी मुद्दे पर बात करें, मुद्दा नहीं भटकाएंगे। दूसरी बात, मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ। 2.0 माइन 2.1 माइनिंग एक्ट के सीए कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन को आप इनको पढ़ लेने बोलिए, इनके सारे मिथक दूर हो जाएंगे। भूपेश बघेल को भी ये सजेस्ट करता हूँ मैं आपके माध्यम से कि कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन का एक्ट पढ़ ले, उनके सारी मिथक दूर हो जाएंगे। ठीक है अजय जी, जिस तरह से हमने देखा साल दर साल छत्तीसगढ़ में टाइगर्स की संख्या जो है घटती गई, और अगर हम अभी की बात करें तो महज 17 टाइगर ही पूरे प्रदेश में रह गए, और उस बीच इस फैसले को मंजूरी मिलना ये काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से हमारी कांग्रेस की साथी ने जिक्र किया कि वो जो एरिया है, क्योंकि वहाँ पर माइंस चलती थी, खदानें चलती थी, तो वो प्रदूषित हो गया है, तो ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं कि अगर यहाँ का डेवलपमेंट होगा, इससे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ अगर आएगी, तो क्या उनको, उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए अस्मिता जी, इस पूरी बहस में दो मूल बात जो है वो श्रुति जी के नॉलेज में लाना चाहूंगा कि श्रुति जी, ये जो घासीदास टाइगर रिजर्व बना है, इसका जो फाइनल ड्राफ्ट था 2022 में बघेल सरकार ने ही कोर्ट को भी सूचित किया था, और भारत सरकार से ही फाइनल ड्राफ्ट अप्रूव करवा के लाए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, नंबर वन ये है। नंबर टू, जो घासीदास पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, उसकी जो वन वर्ष 2000 में भी टाइगर रिजर्व की थी, तो 2000 से 2024 तक आपकी बात से ऐसा लगता है कि क्या वन भूमि में खदान दी गई? ये तो संभव नहीं है। खदानें जो भी है राजस्व की भूमि पे है। तो जो टाइगर रिजर्व आज आप देख रहे हैं, वो टाइगर रिजर्व 2000 में भी था जब मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए। तो क्या उसकी भूमि को परिवर्तित किया गया? क्या उसको खदानों के लिए दिया गया? 32 खदानें दी गई, और ये जो आज हुआ है, ये कोर्ट में लंबी जिरा, बहस, प्रस्ताव सबके बाद का है। आपकी सरकार ने भी 5 साल कोर्ट में बिल्कुल कोर्ट का सम्मान किया और ये कहा कि हाँ टाइगर रिजर्व बनेगा, आप लोग केंद्र से फाइनल ड्राफ्ट की अनुमति लेके आए। तो आज जो बहस है वो कांग्रेस और भाजपा से अलग हटके, मैं आपको बता दूं कि टाइगर रिजर्व का जो बनना है वो पुनर्स्थापना है, कोई नई जो भूमि उसने नहीं ली है। इन जो बाघ है या तेंदुए या जो भी वन्य प्राणी है, वो जो रहेंगे और जो शुद्ध वातावरण पर्यावरण रहेगा, उसकी जो ऑक्सीजन है, जो इस समय आने वाले जो पीढ़ियों को आप देंगे, उस ऑक्सीजन में कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं लिखा है। आप यकीन मानिए कि ये निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और लोकल लोगों के रोजगार के लिए बहुत अच्छा है। वहां कोल माइंस के अलावा कोई कारोबार नहीं है, और ये इसने कोई खदान की भूमि पे कब्जा नहीं किया है। ये अक्षरशः जो उसको भूमि मिली थी 1981 में, ये वही भूमि है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है 17 टाइगर्स पूरे प्रदेश में रह जाना, और ऐसा प्रदेश जो कि अपनी वनों के लिए जाना जाता है, छत्तीसगढ़ खास तौर पर। अब मैं गोपाल जी आपके पास आना चाहूँगी। ठीक है गोपाल जी, इस फैसले को मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन मैं अभी भी यही जानना चाहूँगी कि वो लोग जो रोज़गार से अब वंचित हो जाएंगे, और क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्व भी आता था उन माइंस से सरकार को, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होगा, तो किस तरह से उसे एडजस्ट करेंगे? क्योंकि जब माइंस होती तो वहां पर बड़े लोगों को उससे भी रोजगार मिलता है। अब ये माइंस अगर बंद हो जाएगी तो फिर उन लोगों का क्या होगा? ये अजय जी ने आप ही के सवाल का जवाब दिया, आपने भी मुझसे जो पूछा अजय जी ने वही जवाब दिया। ये जो टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, ये टाइगर रिजर्व किसी खदान की भूमि पर नहीं बनने जा रहा है, और खदान कभी भी फॉरेस्ट लैंड के अंदर खुल ही नहीं सकता।
फॉरेस्ट लैंड के अंदर अगर खुलने की बात भी होती है तो उसमें एनजीटी एक्टिव हो जाता लेकिन है एक साथ ही कैसे काम करेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ भी होगा, रिजॉर्ट्स खुलेंगे आने वाले समय में, टूरिज्म के हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेगी, मैं यही जानना चाह रही हूँ। निश्चित रूप से आपका जो सवाल है उसमें मैं एंसिलरी सवाल जो आपका है वो मैं इस तरह से देना चाहता हूँ कि खदानें जो हैं और जो टाइगर रिजर्व है उसकी दूरी काफी आसपास नहीं है, उसमें दूरियां हैं और दूरी होना इसलिए लाजमी है क्योंकि जो भी माइनिंग होती है उसकी माइनिंग एक्ट के तहत माइनिंग की परमिशन मिलती है और माइनिंग एक्ट कहता है एक ग्रीन लैंड और एक फॉरेस्ट लैंड, ये ग्रीन लैंड और फॉरेस्ट लैंड का कभी भी डाइवर्शन माइनिंग में नहीं हो सकता, किसी भी कारण से नहीं होता। बार बार जो हसदेव पर भी बात होती है, इनकी सरकार ने वो गलती की थी और इनकी सरकार ही वो गलती कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये तो रोजगार उन्नयन के तरफ जाएगा, ये तो रोजगार विकसित करने की तरफ जाएगा और आज जो फैसला हुआ है वो छत्तीसगढ़ को आगे लेके जाने वाला फैसला है और छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल्स है, छत्तीसगढ़ ऐसे भी हम बार बार कहते हैं कि ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल लोगों की संख्या ज्यादा है, ट्राइबल्स की बहुत आयत है, उनके प्रति बहुत संवेदनशील है ये प्रदेश और ये सरकार भी, और इसीलिए आप देखिए कि आज एक मुख्यमंत्री अगर ट्राइबल होता है, ट्राइबल समाज से आता है, तो कितनी बड़ी घोषणा हो जाती है कि आज ट्राइबल मुख्यमंत्री ने ये घोषणा किया कि एक नए सेंचुरी मतलब चलिए गोपाल जी, अभ्यारण को तो मंजूरी मिल गई है, अब आने वाले समय में टाइगर्स की संख्या बढ़ाने पर भी पार्टी अब जो है फोकस करती नजर आएगी, क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहूंगी आपसे। निश्चित रूप से देखिए, तभी आप सोचिए कि कूनों में चीते बाहर से लाने पड़े थे, ये तो इनका फेलियर था कि अगर देश में 65 साल ये राज किए और उसके बाद अगर चीते खत्म हो जाते हैं या कोई वन्य प्राणी खत्म हो जाते हैं तो इनका फेलियर था, इनके फेलियर के कारण बाहर से चीतों को लाना पड़ा और बाहर से चीतों को लाके मध्य प्रदेश में बसाना पड़ा। और एक बात कहना चाहता हूँ, राजीव गांधी के नाम पे 4 नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी के नाम पे 3 नेशनल पार्क है, संजय गांधी के नाम पे 2 नेशनल, सारे नाम इन्हीं के तरफ जाते हैं तो इनको कोई आपत्ति नहीं होती, किसी दूसरे के नाम से कोई अच्छा काम हो जाए तो इनको बहुत आपत्ति होती, भूपेश बघेल को मेन आपत्ति तो मुझे लगता है बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर ही है। ठीक है, चलिए समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जो फैसला हुआ है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को लेकर, उसका कहीं ना कहीं सोशलिस्ट और पर्यावरणविद स्वागत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में खासकर वन्य जीवों के हिसाब से बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि ये लंबी लड़ाई थी। देखिए 2012 से 2024 हो गया और अब जाके इसे मंजूरी मिली है, तो हम ये कह सकते हैं कि वन्य प्राणियों के लिए काफ़ी अच्छा फैसला है और कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा, डेवलपमेंट भी होगा। तो वहीं कांग्रेस लगातार इसको लेकर अपनी टिप्पणियां रख रही है, लगातार अब इस पूरे फैसले को लेकर अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी गई है। अब ये देखना होगा क्योंकि अब मंजूरी मिल गई है, अब इस पर काम कब तक शुरू होगा और टाइगर रिजर्वेशन जो इसका मेन मोटिव था उनको लेकर अब आने वाले समय में क्या किया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही, दीजिए मैं इजाजत, देखते रहिए नादी टीवी, नमस्कार।